सो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नो बूटेबल डिवाइस स्ट्राइक F1 टू रिट्राइ बूट, F2 टू सेटअप यूटिलिटी, इस तरह का एरर आता है। ये डेल के पीसी पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के एरर आपको किसी भी कंप्यूटर में आ सकते हैं। HP के कंप्यूटर में आ सकता है, लिनोवो में आ सकता है, एसर में आ सकता है, एसुस में आ सकता है, जितने भी ब्रांड है सब में आपको इस तरह का एरर आ सकता है। नो बूटेबल डिवाइस फाउंड या नो बूट डिवाइस फाउंड, नॉन सिस्टम डिस्क ड्राइव, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एरर आते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है, मैं इसके पहले की वीडियो में भी ये चीज़ बता चुका हूँ। बहुत से लोगों ने डेल के सिस्टम का रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आज डेल के सिस्टम पर ये प्रॉब्लम मैं वापस से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि आपके सिस्टम को हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ है, विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज 8 जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो लोड किया हुआ है, वो डिवाइस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। F1 की हम प्रेस करके देखते हैं, देखिए वापस से यही आता है। अगर आप सिस्टम को रिस्टार्ट भी करोगे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करके, तो वापस से यही एरर रिपीट होगा। अभी मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट किया है, सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद देखिए वापस से वही एरर आ रहा है। F1 प्रेस करने के लिए बता रहा है, कंटिन्यू के लिए F1 प्रेस करते हैं तो ये वापस से एरर आ रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसमें सबसे पहले स्टेप आपको ये करना है कि आपको बायोस में जाके चेक करना है कि आपके बायोस में हार्ड डिस्क बता रही है या नहीं बता रही है। तो मैं वापस से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करता हूँ और F2 का बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ताकि हम बायोस में जाके चेक कर सके और हमें पता चले कि भाई हार्ड डिस्क कंप्यूटर में अवेलेबल दिखा रही है नहीं दिखा रही है। हम बायोस में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट आगे भी मिलती रहे। अगर चैनल के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलती है, तो आप चैनल के लिए कोई डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चेक कर सकते हो आपकी यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो साटा 0, साटा 1, साटा 2, साटा 3 दिखा रही है, यहाँ पे नन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेल का कंप्यूटर है इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं दिखा रही है। इसका मतलब हमें फिजिकली उस हार्ड डिस्क के कनेक्शन को निकाल कर एक बार लगाना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम आया है, वो हमें सॉर्ट आउट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम को खोल लेते हैं। सबसे पहले अभी जैसे आप ये देख रहे हो, ये सिस्टम का इस तरफ से लॉक है, तो मैं उसे इस तरफ से खोलूंगा। खोलने से पहले मैं सिस्टम को थोड़ा सा इस तरीके से आड़ा कर दूंगा, ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। अब ये सिस्टम हमारा यहाँ पर हम खोल रहे हैं, लॉक इस तरीके से खोल रहे हो, सकता है आपका लॉक इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो आपका जैसा सिस्टम का डिज़ाइन है उस तरीके से आप उसका लॉक खोल कर इस साइड का जो पैनल है इसे ओपन कर ले और इस पैनल को ओपन करके साइड में रख दे। और यहाँ पर काम करने से पहले आप ये जो सॉकेट होते हैं आपके इलेक्ट्रिक के सॉकेट्स, उन्हें बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारे जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो सकता है, आपकी इस तरफ से कनेक्टेड हो हार्ड डिस्क या ऊपर की साइड में कनेक्टेड हो। अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। तो ये जो केबल जा रही है ये साटा की डेटा केबल है, जिसके मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है और ये हार्ड डिस्क के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर लोड रहता है और ये पावर सप्लाई करती है हार्ड डिस्क को, जो पावर रिक्वायर्ड होता है चलने के लिए वो सप्लाई करती है। तो ये केबल्स को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे पहले आपको इन केबल्स को रिमूव करके वापस से लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये केबल्स हैंग हो जाती है, यहाँ पे धूल मिट्टी जमा होने की वजह से ये काम नहीं कर पाते, पावर और डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसके कारण आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होता। और ये केबल एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है कि मदरबोर्ड पर कनेक्टेड है या नहीं। तो ये ब्लू वाली केबल हमारी यहाँ पर मदरबोर्ड पर कनेक्टेड है, ये जो केबल आप देख रहे हो जिसको व्हाइट कलर की पट्टी लगी हुई है, ये केबल मदरबोर्ड पे कनेक्टेड। मैंने इस केबल को मदरबोर्ड से भी डिसकनेक्ट किया है और मैं वापस से इस कनेक्शन को मदरबोर्ड पर लगा दूंगा, उसी पोर्ट में लगा दूंगा जिस पोर्ट से इसे हमने निकाला था। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रबल शूटिंग है। अगर ये नहीं होती है आपकी सक्सेसफुल, तो आपको क्या करना है, जो आप दूसरे पोर्ट्स देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स दिए हुए साटा के पोर्ट्स, तो इन पोर्ट्स में आपको केबल लगाना है, यहाँ से निकाल के वहाँ पे लगाना है। अगर वो भी सक्सेस नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो केबल है ये आपको चेंज कर लेना है। दूसरी अगर कोई केबल होगी आपके पास कंप्यूटर की साटा केबल, तो वो केबल आपको लगा के देखना है। इन दैट केस केबल आपकी ख़राब हो सकती है और पावर के भी जो पॉइंट्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं अलग अलग पीसी में, तो आप इसकी जगह पर ये लगा कर देख सकते हो। हम पहली वाली ट्रबल शूटिंग चेक कर लेते हैं एक बार, सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर पावर ऑन कर रहे हैं वापस से इस सिस्टम को,
तो यहाँ पर हम वापस से F की प्रेस करते हैं कंटिन्यू करने के लिए। और देखिए यहाँ पर पहली ट्रबल शूटिंग में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। ये पीसी बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद रहने की वजह से जो केबल के कनेक्शंस है वो लूज़ हो गए थे, या केबल के कनेक्शन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था डेटा का और पावर का, जो कि हमने एक बार निकाल के लगाने से सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो नॉन सिस्टम डिस्क एरर या नो बूटेबल डिवाइस फाउंड के एरर को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली केबल के कनेक्शन आपको निकाल कर लगाना है हार्ड डिस्क के, या आपको केबल के कनेक्शन के जो सॉकेट्स हैं उनको चेंज करना है, या तीसरी ट्रबल शूटिंग में आपको केबल को चेंज करके देखना है। मोस्टली हर सिस्टम में दो से ज़्यादा केबल होती है, डीवीडी राइटर की केबल होती है और हार्ड डिस्क की केबल होती है। तो आपको स्वैप करके देखना है, डीवीडी की केबल हार्ड डिस्क को लगा कर देखना है, हार्ड डिस्क की केबल डीवीडी को लगा कर देखना है। इन दैट केस आपका इशू सॉल्व हो सकता है। होप सो कि आपका भी इशू इस वीडियो को देखकर, इस ट्यूटोरियल को देखकर सॉल्व हो जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस आपको बताए गए वो आपके जरूर काम आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।